छत्तीसगढ़ खनन मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई समेत तीन लोगों को कोर्ट ने 8 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि कोर्ट ने ईडी की दिल्ली ले जाने की ट्रांजिट रिमांड वाली मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी अपने वकील से 2 दिन में 1 घंटे के लिए सिर्फ 1 बार मिल सकते हैं। आपको बता दें कि रायपुर में रहकर ईडी सभी से पूछताछ करेगी। आईएएस समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को ईडी द्वारा हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था। वहीं मामले में 3 दिनों तक ईडी की छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर रेड जारी रहेगी। आईएएस सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके साथ ही कुछ और लोगों से ईडी की पूछताछ जारी रही। वहीं जानकारी के अनुसार 20 कैरेट हीरा, 47 लाख कैश और 4 किलो सोना जब्त करने की जानकारी ईडी ने कोर्ट को दी है। समीर बिश्नोई यहाँ से 47 लाख कैश जो है और बाकी लक्ष्मीकांत तिवारी के यहाँ 1.5 करोड़ के कंसीलमेंट में जानकारी मिली। और सर ये इनके अग्रवाल जी क्या सर, सुनील अग्रवाल? सुनील अग्रवाल जी ने इंडस्ट्रीज परचेस की है लक्ष्मीकांत तिवारी के साथ मिलकर। Samir is talking about some unaccounted cash. So we have pointed out the judgment of Vijay Madan Lal Chaudhary that it is not income tax, that is the job of income tax, which is not a scheduled offence. So in this case, in the FIR, there is no predicate offence, no scheduled offence. So we have told the court that the court does not have the jurisdiction to exercise over 14 days की jurisdiction अपना custody मांगी है अपनी ED की custody में और job पे पूछताछ करना है। उसमें जितने भी वकील हैं, हमारे सीनियर लॉयर साहब हैं, उन्होंने अपोज किया है कि जो अरेस्ट है वही गलत है और ईडी में जो है इनको रिमांड नहीं दे सकती, क्योंकि जो कह रहे हैं कि आईटी रेड पहले हुई थी, तो आईटी रेड जो हुई थी वो आईटी का काम है, ईडी का काम वो नहीं है।